मेरी तरफ से। अरे बस नाश्ता मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही खिलाऊंगी, आपका शुगर का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बड़े भैया के यहाँ से जल्दी आ जाती तो मेरी तबीयत जल्दी से अगर मैं बड़े भैया के यहाँ से जल्दी आ जाती ना तो मेरी तबीयत जल्दी सुधर जाती। कहाँ सारी दुनिया की दादियाँ जो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, पकवान बनाती है, और कहाँ मेरा ये पोता जो अपनी दादी की सेहत बनाने में लगा है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया ये। इतनी अच्छी बनी है ना कि मुझे ये फिर खाके शादी के सूजे के हलवे की आवाज। आप सबसे दूर आपके आपका खाना तो नहीं बना, लेकिन उसे याद करके बनाने की कोशिश में किचन में एक्सपर्ट जरूर करते एकदम। तारीफ करो उतनी कम है तुम्हारे ये खीर की, तुम्हारे खाने की। लेकिन पता है अब शांत मन से दालमिया खानदान का नाम आगे बढ़ा सकता है। ये दालमिया खानदान का नाम तो फिल्मी लगता है। हाँ लगता है, लेकिन सच है। तुम लोग को पता है मेरे बड़े भाई के यहाँ मैं गई थी ना, तो गांव बहुत छोटा सा है, लेकिन वहाँ दालमिया खानदान की साख बहुत बड़ी है। क्या नाम है वहाँ अपना, अरे दालमिया खानदान को सब जानते हैं, बहुत इज्जत है। सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। सबसे पहले नमस्कार, मैं आदिश वैद्य। और मैं इंदिरा कृष्णन, मैं निभा रही हूँ वेदिका का कैरेक्टर। और मैं निभा रहा हूँ रक्षम दालमिया का कैरेक्टर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। जैसे कि आप सब जानते हो कि पहले कुछ दिन पहले तो बहुत खुशी हुई कि रक्षम मुझे वापस मिल गया जो आदेश निभा रहा है, और बहुत अच्छा माहौल हो रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि सैवी डिवोर्स ले रही है नित्यम से, और अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि यूडी वापस आ गई है, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, वापस आ गई है, एक अच्छा माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैमिली कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट इसलिए कि नहीं है क्योंकि सावी हमारे साथ नहीं है। तो सावी की ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो जो नहीं रहती है वो डेफिनेटली वो खलता है कि वो यू नो फैमिली कंप्लीट हो तो वो अच्छा लगता है, और वो भी सावी के बिना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है जहाँ पर रक्षम ने खीर बनाया, आई थिंक कुछ आदर्श भी बता पाएगा, और बहुत अच्छा खीर बनाया इसने। यूडी आ गई है वापस घर, तो वो सारे सीन्स हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, वुड लाइक टू सम इट अप कि सावी अभी फिलहाल घर में नहीं है, जो ड्रामा आप जानते हैं कि बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, और शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली एज ऑफ नाउ। तो घर में एक उसकी कमी महसूस होती है हर पल, और अभी जो ड्रामा हम कल जो शूट किया, बहुत ही हाई इंटेंस हाई वोल्टेज ड्रामा है, जहाँ पे बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, पुलिस आती है, बहुत कुछ होता है। तो एक सावी से और दूर जाती है फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए भी खुशी के पल परिवार में है, तो उसमें भी सावी का जिक्र आ ही जाता है, जैसे कि अभी डाइनिंग टेबल पे हुआ, एंड देन यू नो एवरीबडी स्टार्ट्स टू फील दैट शी इज़ यू नो मिसिंग इन द फैमिली। तो अभी यही ये पूरा इमोशंस का खेल है, और बड़ा मज़ेदार है। एंड आई थिंक मेरे लिए भी एज रक्षम, सावी का मजनू भैया जो मैं हूँ शो में, बहुत मिस करता है रक्षम उसे भी, बट फिलहाल जो परिस्थिति है घर में, आई थिंक उसको भी संभालना उसके लिए ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सालों के बाद अपनी माँ से मिला है, अपने घर वालों से मिला है, तो उनके भी इमोशंस उतने ही मैटर करते हैं, और सावी के भी इमोशंस उसके लिए उतने ही मैटर करते हैं। आई थिंक दैट्स हाउ वी विल सी अहेड, यू नो हाउ द स्टोरी गोज अप एंड हाउ द इमोशंस आर यू नो दे डेवलप एंड हाउ वी कीप द बैलेंसेस इन बिटवीन। एंड यू आर वॉचिंग मी आदिश वैद्य एज रक्षम दालमिया एंड इंदिरा कृष्णा एज वेदिका दालमिया ओनली ऑन सावी की सवारी ऑन कलर्स टीवी मंडे टू संडे 6:30 PM एंड नाउ वी आर लाइव ऑन देसी फीड। थैंक यू।